गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, एकदम बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। आप थोड़ी सी चीजें इसके पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासों में, तो मैं आज आपको एक बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूं, जो क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको ये चीज पिछले क्लासों में मिली होंगी। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 में जो अलजेब्रा का थोड़ा सा पोर्शन होता है वहां पे आपको टीचर्स बताए होंगे। यहां पे मैं आपको इसका बिल्कुल कह सकते हैं ना, ऑपरेशन हम लोग इसका करेंगे, एक एक वर्ड के बारे में, इसके कितने टर्म्स हैं, इसके कितने टर्मिनोलॉजीज रहेंगे, सारे वर्ड पे हम लोग बिल्कुल एक ब्रॉड डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह एक ऐसा क्लास 9 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको चीजें क्या होती हैं, मिलती हैं एक बार फिर से। कभी कभी चीजें क्या होती है, पिछले क्लास में मिलती है, बट क्लास 9 में आकर के फिर से एक बार वो चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है, तो जिससे आपको क्या होगा, आगे जाकर के कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए क्लास 9 को हमें जबरदस्त तरीके से तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल्स। देखिए, सबसे पहले मेरी एक खासियत है कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो टॉपिक को पढ़ाने से पहले उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, उसका टाइटल क्या है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे आपके पास है पॉलिनोमियल, आपका चैप्टर नेम है पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर चीजें आप एक एक चीज ओपन करके खूब बढ़िया से उसका ब्रॉड नॉलेज रखेंगे तो आपको चीजें क्या होंगी, आसान होती चली जाएंगी आगे, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा, एक एक टर्म्स में आपको ढेर सारे कंफ्यूजन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक ऐसा वर्ड है जो दो छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, क्या है वो वर्ड, एक है पॉली, इसको ऐसे करिए, एक है पॉली, पॉली मीन्स, और एक नोमियल है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे पॉली हो गया और ये नोमियल्स आया। मैं इसको बता रहा हूं, पॉलिनोमियल इज अ लैटिन वर्ड है ना, विच कम्स फॉर, जो आता है किसके लिए आता है, जो कम्स फ्रॉम अ इंग्लिश लेटर, एक इंग्लिश लेटर मेनी के लिए, किसके लिए प्रीफर किया जाता है, मेनी के लिए। पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स होता है मेनी। ठीक है, लॉट, लॉट मीन्स मेनी, ढेर सारे। ठीक है, एंड नोमियल्स मीन्स, ये किसे बना, नोमेन से, नोमेन, नोमेन, एन ओ एम ई एन, नोमेन, ये नोमेन से मिलके बना हुआ है। नोमेन मीन्स होता है नेम, नोमेन मीन्स, ये किसके लिए है, इट कम्स फॉर, ये किसके लिए आता है, नोमेन मीन्स नेम के लिए, इंग्लिश लेटर नेम के लिए। बट आप लोग अब कहोगे बहुत सारे नाम, अब इसको यदि हम इसको क्या बोले, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो ढेर सारे नाम, मेनी नेम। यहां पे मैथ्स में क्या होगा, थोड़ा सा चीजें मैं चेंज करूंगा, नेम मीन्स यहां पे हम लोग टर्म्स से रिलेटेड है, नेम्स प्रीफर, किसको प्रीफर करता है, टर्म्स, है ना, या कह सकते हैं नेम स्टैंड फॉर टेन, टर्म्स किसके लिए यहां पे प्रीफर किया गया, टर्म्स के लिए, टर्म्स मीन्स होता है पार्ट, टर्म्स मीन्स क्या होता है, पार्ट, तो ये है टर्म के लिए। ठीक है, टर्म कोई चीज, अभी हम बात करेंगे टर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल में टर्म का क्या रोल प्ले है, ये सब सारी चीजें हम लोग आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड, फर्स्ट इज पॉली एंड सेकेंड, एंड द सेकेंड इज नोमेन। ठीक है, नोमेन किसके लिए, नेम के लिए, पॉली किसके लिए, मेनी के लिए, मीन्स मेनी टर्म्स। अब इसको हम देखते हैं ओवरऑल, तो ये हो जाएगा मेनी टर्म्स। ठीक है, बात आगे समझ में, अब इसको हम लोग आइडेंटिफाई, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या होगा अगले आगे लेक्चर में। अब तो चीजें स्टार्ट हो गई हैं, तो हम अच्छे तरीके से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आज के लेक्चर में इसका इंट्रो, मैं आज आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसको प्रयास कर रहा हूं कि छोटे वीडियो में अगर हो जा रहा है तो ठीक है, सारी चीजें नहीं होगा तो इसका सेकंड पार्ट में दे दूंगा, इंट्रो फर्स्ट और इंट्रो सेकंड करके। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते, हो सकता है टाइम बढ़ जाए, है ना, कहीं भी अगर टॉपिक अच्छी मिल गई और एक्सप्लेन करने लगे तो टाइम इंक्रीज भी कर सकती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई चीज स्टार्ट कट, कोई सक्सेस के लिए कोई वो रास्ता नहीं है कि स्टार्ट कट आप सीख ले, आज सीख लोगे स्टार्ट कट करके लिए भूल जाओगे, तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, एक चीज में बता दूंगा जिससे कि आपको चीजें क्या होंगी आगे जाकर के कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग,
अब स्टार्ट करने से ये पॉलिनोमियल को समझने से पहले इसके कुछ प्रीवियस नॉलेज है जो आप क्लास पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं वो क्या है, मैं उनसे मतलब एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, जो लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवाइज हो जाए और जो लोग नहीं पढ़े हैं एक बार फिर से उनको एक जीवन दान मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स है तो मैथ से छुटकारा तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है, कम से कम 10th तक तो मैथ पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो पहला वर्ड हम यहाँ पे लेते हैं टर्मिनोलॉजी कॉन्स्टेंट, क्या लेते हैं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या होता है, ठीक है। अलजेब्रा, अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट टू कैलकुलेशन रिलेटेड टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स, इस टाइप की चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक नॉर्मल वे में अगर मैं कह दू तो अगर सबसे पहली चीज, अगर अलजेब्रा का सबसे छोटी चीज होती है तो वो होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है, बिना कॉन्स्टेंट का आपका अलजेब्रा आएगा नहीं, ठीक है। अलजेब्रा मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कॉन्स्टेंट का नाम लिया ही जाएगा। तो व्हाट इज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट इज अमाउंट, एक तरीके का अमाउंट है हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, जिसका एक क्या हो, जिसका वैल्यू फिक्स हो। कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट होता है एक सिंबल होता है, अ सिंबल, कह सकते हैं यहां पे ए सिंबल, मैं यहां पे आपको डेफिनेशन भी दे रहा हूं उसको आप लिख सकते हैं, अ सिंबल हैविंग, ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड वैल्यू, ए फिक्स्ड वैल्यू जिसका वैल्यू क्या हो, बिल्कुल फिक्स, एक ऐसा सिंबल, सिंबल बहुत सारे सिंबल है, आप नंबर सिस्टम को ही देख लो, 1 2 3 4 5 8 जो डिजिट्स है ना, 0 1 2 3 4 5, ये सब सिंबल है। तो कुछ ऐसा सिंबल मींस जिसका वैल्यू फिक्स हो, है ना, दे कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसे हम लोग किसी तरीके से चेंज ना कर सके, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 ले लो, ठीक है, अ सिंबल हैविंग ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, जिसका एक वैल्यू फिक्स हो, यानी कि आज 1 है तो कल को 2 हो गया, 1 कभी 2 हो सकता नहीं। तो लाइक जैसे एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, -4 हो गया, ठीक है, कुछ भी -4, 4.3, ठीक है, या फिर आपके पास पाई है ना, पाई भी तो एक फिक्स ही वैल्यू होगा ना, ठीक है। अब इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के टर्म में मत बोलिए, पाई का भी फिक्स वैल्यू होता है जिसका वैल्यू होता है 22/7। तो ये सब क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, डिजिट, डिजिट नंबर, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट एक ऐसा सिंबल होता है जो कह सकते हैं वो क्या है, एक नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर आप उठा लेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म होता है, सेकेंड होता है, इसको हटा सकते हैं, सेकेंड टर्म है आपका वेरिएबल्स, ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा अच्छा, राइटिंग अच्छी रहती है तो लाइक लोग करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वही चीज, अ सिंबल हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू, एक ऐसा सिंबल जिसके पास कोई भी फिक्स वैल्यू ना हो, अ सिंबल एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा साइन, एक ऐसा सिंबल हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू, नो फिक्स्ड वैल्यू जिसका कोई भी फिक्स वैल्यू ना हो, ठीक है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और एग्जांपल से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको आपको एग्जांपल रटना नहीं पड़े, जितने भी इंग्लिश के चाहे हिंदी लैंग्वेज के या किसी भी लैंग्वेज के जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के लेटर्स ABCD, हाँ, एंड सो ऑन, जो भी है A to Z, हाँ, या हिंदी के है कोई भी है लेटर, जो भी है अल्फाबेट, तो कहने का मतलब जो भी आपके पास लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स एक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो कहते हैं ना X Y Z A B C D कुछ लेट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं क्या चीज, वेरिएबल्स कहते हैं। मीन्स एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे X Y Z, ठीक है, पता समझ में, कोई भी वैल्यू है, कोई भी लेटर है, आप क ले लो, ख ले लो, ग ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, एज यू विश, जैसा आपका मर्जी, ठीक है, लेकिन वो लेटर से रिलेटेड हो, तो उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए
तो अगला टॉपिक ये समझ में आ गया आपको कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये पका रहे क्या। देखिए सबके लिए नहीं हो सकता है, फायदा सबको मैं एक साथ नहीं दे सकता भाई। हो सकता है किसी को कांस्टेंट वेरिएबल मालूम हो, ठीक है, वो वीडियो को स्किप कर दिया, पॉज कर दिया, जो भी। तो अगर आपको मालूम है तो आप उसको वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, है ना, ठीक है। ओके, अगला पार्ट आता है जब ये दोनों चीज हमारे पास हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट और जब वेरिएबल्स को अब हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करेंगे तो एक नई चीज बनेगा। वेन वी ज्वाइन, वेन वी सब्ट्रैक्ट, वेन वी डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई, हाँ, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट, जब हम लोग इनको क्या करते हैं किसी तरीके से पास लाते हैं, तो वो कुछ वैल्यू बनाएगा, कोई एक नया फॉर्म को जनरेट करेगा, उसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या हो, कनेक्ट विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। जब क्या हो, कोई भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या किए जाते हो, कांटेक्ट में उन्हें लाया जाता हो, पास लाया जाता हो, और किसके हेल्प से लाया जाता हो, किसके हेल्प से लाया जाता हो, तो उन्हें क्या किया जाता हो, कंबाइन किया जाता हो, प्लस से या माइनस से दिखाया जाता हो, तो उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हैं कि मैं यहां पे डेफिनेशन भी दे रहा हूं, व्हेन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, व्हेन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, ठीक है, क्या किए जाते हो, इज कनेक्टेड बाय, कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लाइक जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस मींस पॉज, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई हो, या फिर आपके पास और डिवाइड हो, ठीक है। तो इनके हेल्प से, जब इन साइन के हेल्प से हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को वो जो एक वैल्यू क्रिएट होता है, एक जो वैल्यू बनता है, एक जो वैल्यू फॉर्म होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कैसे करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है, सपोज करो फोर है, क्या है, फोर है। अब हमने क्या किया, इसको फोर को ऐड कर दिया है, ये क्या आपका कांस्टेंट है, और इसको मैंने ऐड कर दिया एक्स से, किससे ऐड कर दिया, एक्स से ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिला, वी गेट फोर प्लस एक्स, फोर प्लस एक्स, हमने फोर लिया और इसमें हमें क्या करना है, एक्स को ऐड करना है, तो फोर को एक्स में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर प्लस एक्स। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फोर एक्स कर देते हैं, ठीक है, नहीं ये कभी ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। इसके पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बताने से पहले एक छोटी सी चीज, अलजेब्रा में दो एक चीज और होता है, टर्म्स, टर्म्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म, ठीक है। टर्म्स क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे टर्म को आप ऐसे समझिए कि दो डिफरेंट क्या हो, कास्ट के लोग, डिफरेंट बिरादरी के लोग, ठीक है, जैसे एक हिंदू हो गया और एक मुस्लिम हो गया, ठीक है, या कोई भी दो, या कोई एनिमल की बात है ना, काउ या बफेलो। अब काउ को बफेलो में अगर ऐड करेंगे, टू काउ टू बफेलो, तो फोर काउ तो हो नहीं जाएंगे, या फोर बफेलो तो होंगे नहीं, तो वो जब भी होगा तो टू काउ टू बफेलो को जब हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो वो लास्ट तक ऐसा ही रहेगा, टू बफेलो प्लस टू काउ, ठीक है, टू बफेलो प्लस टू काउ रहेगा, ये नहीं कि ये हो जाएगा फोर बफेलो एंड काउ, ऐसे नहीं, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है आपके पास, क्लियर है। तो कहने का मतलब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म मीन्स होता है जब उनकी क्या हो, प्रॉपर्टी सेम हो,
उनकी प्रॉपर्टी सेम हो, ठीक है। सेम हो मीन्स यक्स एक्स में ऐड होगा बिकॉज दोनों लाइक टर्म है, दोनों क्या हो जाएंगे लाइक टर्म है। और जब ऐड होगा तो ऐड होकर के क्या होगा, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, ये ऐड होकर के टू यक्स हो जाएगा। जैसे आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स में 10 पेन है और एक दूसरा बॉक्स है, बॉक्स में 5 पेन है। अब इन दोनों बॉक्स को मिला दिया गया तो कितने पेन हो जाएंगे, 15 पेन हो जाएंगे। बट अगर इसी बॉक्स में पेन के बदले में क्या हो, पेन के बदले में क्या हो जाए, ठीक है, कोई दूसरा चीज है, चॉक हो जाए, चॉक, ठीक है, ये चॉक हो जाए, तो क्या ये 15 चॉक तो हो नहीं जा पाएगा या फिर 15 पेन तो होगा नहीं, बिकॉज है ना बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या है डिफरेंट है, तो लाइक टर्म ही एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, बातें समझ में। तो अगर हम लोग 4 को x में ऐड करेंगे तो 4x नहीं होगा, 4 प्लस x होगा, 4 प्लस x होगा, बिकॉज यहां पे क्या है, ये दोनों अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म मीन्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है डिफरेंट होती है, अलग अलग बिरादरी के लोग, ठीक है, है ना। टू बॉयज 4 गर्ल्स मिला के कितने होंगे, 6 बॉयज गर्ल्स नहीं होंगे, एक साथ नहीं बोलेंगे, जब भी होंगे तो उन्हें अलग अलग बोलेंगे, ठीक है, बातें समझ में। तो खासतौर पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उस वक्त टर्म्स का विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है, बातें समझ में। तो हमें यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करेंगे, चलिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके होंगे, मैं इसकी समरी बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो टर्म्स आप देख लिए, दो तरीके के टर्म्स होते हैं, एक टर्म होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म, मतलब डिफरेंट टाइप के टर्म्स, क्लियर है। तो अगर हम वही बात करें फिर से कि अब हमें अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन ये हो गया 4 और ये हो गया x, तो ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 3 - 2y ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके बाद हो गया 4x, ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 4yx ये भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे, बिकॉज मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि व्हेन कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्ट इज कनेक्टेड ओवर किसके द्वारा, बाई पॉजिटिव प्लस माइनस, हाँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन दोनों के, इन चारों के हेल्प से जब कोई नया फॉर्म फॉर्मेट होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, राइट ना, समझ में आ रही बात। तो ये सब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कैसे, देखिए यहां पे प्लस है, यहां पे एडिशन हो रहा है, ठीक है, यहां पे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद और इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कैसे, क्योंकि हम इसको क्या अभी कर राइट, 4 डिवाइडेड बाई एक्स, तो देख रहे हैं आप लोग कि यहां पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन है, डिविजन, इनके हेल्प से ही मैथमेटिकल ऑपरेशन बन रहा है, राइट, ओके, चलिए, ये हो गया अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आपको मिलेंगे टर्म्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या मिलेंगे, टर्म्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज इसमें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता सकता हूं, ठीक है, ओके। तो अब आएगा, अब आप समझ गए कि व्हाट इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम बताएंगे टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, कितने टाइप्स है, टर्म्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, किसी भी टर्म्स की अगर बात करेंगे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें कुल कितने पार्ट हैं, टर्म्स मीन्स यहां पे हम लोग पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, बताइए सुनते। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्म्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, आपके पास एक क्या रहेगा, टर्म्स की बात मैं करना चाह रहा हूं, हम लोग यहां पे मेन हमारा पार्ट है टर्म्स को जोड़ना, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमको जान गया, ओके। अब आपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सबसे पहले पता करने के लिए आपको आगे दिया जाएगा कि टर्म के अकॉर्डिंग टू हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे,
तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हम ये जान जाए कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपको टर्म्स मालूम हो जाएगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल, आप खुद उसका नाम बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको ये जानना होगा कि विद हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, उस टर्म्स में, उस पॉलिनोमियल में कुल कितने टर्म्स है, राइट, ओके। तो टर्म्स को करने से के लिए हम सबको सबसे पहले आपको एक रूल बता रहे हैं, उस रूल को ही आप केयरफुली सुनिए, ठीक है, लिसन करिए, और उस रूल के ही हेल्प से हम लोग पता कर लेंगे कि हाउ मेनी टर्म्स मींस हाउ वी कैलकुलेट और हाउ वी आइडेंटिफाई हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्म्स। फॉर दैट वी विल कंसीडर, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी विल कंसीडर ओनली पॉजिटिव मींस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके लिए हमें क्या करना, कंसीडर करना होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को, मींस ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि टर्म्स कितने टर्म्स होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैथ के दो, केवल दो सिंबल जिसे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहते हैं, राइट ना। मींस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हेल्प से ही हम लोग टर्म्स को बताएंगे कि ये थ्री टर्म्स है, फोर टर्म्स है, फाइव टर्म्स है, ठीक ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड के हेल्प से नहीं, जहां कहीं भी प्लस और माइनस लगा रहेगा उसके हेल्प से हम बोल देंगे कि इतने टर्म्स हैं। समझ में आ रही बात, चलिए ओके। मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे एग्जांपल क्या है, जैसे आपके पास 2x + 3 है, 2x + 3। अब मैं आपसे पूछूंगा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में कुल कितने टर्म्स हैं, तो जवाब इसका होगा टू टर्म्स। कितने हैं, दो टर्म। कैसे, मैंने बोला ना कि जब भी हम लोग टर्म को आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो हम लोग प्लस और माइनस को ही क्लियर करेंगे, और किस सिंबल का यूज हुआ है और किस मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज किया गया है उसको क्लियर नहीं किया जाएगा। मींस है ना, द डिवीजन ऑफ द टर्म्स, हाँ द डिवीजन ऑफ द टर्म्स गोज टू किसको जाता है, गोज टू, या कहते रिस्पॉन्सिबल टू, किसको रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। टर्म्स का पता करने के लिए हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही क्लियर करना है, राइट। तो चलिए अब यहां पे देखिए, ये प्लस है ना, ये प्लस कह रहा है कि ये एक फैमिली है, यह एक फैमिली है, पहले क्या था, यह एक फैमिली है, इस फैमिली में हमने क्या किया, अलग से एक साइन सिंबल ला के इसमें इंक्लूड कर दिया। जब ये सिंबल प्लस इसमें इंक्लूड हुआ तो ये दोनों दो अलग अलग पार्ट हो गया, बीच में एक बाउंड्री बन गई, फैमिली के बीच में क्या सेपरेशन हो गया, अलग हो गया, ठीक है। एक फैमिली थी वो दो पार्ट में बट गया, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस आ गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्लस से तो चीजें कनेक्ट होती है ना, बट इस पार्ट को देखने से ये लगा कि जो प्लस है ना इनमें कुछ डिफरेंट रहा होगा, कुछ चीजें ऐसी रही होंगी जो बिल्कुल डिफरेंट रही होंगी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। मींस ये थ्री और ये टू एक्स, वही बात जो अभी मैंने लाइक टर्म की बात किया, लाइक और अनलाइक, अब ये टू एक्स है, टू एक्स मतलब टू काउ, मान लो दो लोग हैं, एक्स मीन्स यहां पे काउ कोई नाउन है मान लो, यानी दो काउ दो गाय है, और ये थ्री क्या है, बिल्कुल इससे बिल्कुल डिफरेंट, इसकी बिरादरी इससे बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्लस है ना, ये प्लस क्या हो गया, इसको अलग कर दिया, इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, जिससे हमें पता चल रहा है, दूर से ही दिखने में लग रहा है कि इसके दो पार्ट हैं, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर यही पे मल्टीप्लाई हो जाता तब ये कनेक्ट हो जाता, तब ये कोई फैमिली एक ही फैमिली मानी जाती, ये दो फैमिली नहीं माना जाता, क्यों, क्योंकि ये थ्री तुरंत आ जाता है टू के पास, इसके पास टू के पास, और थ्री टू जा सिक्स और सिक्स एक्स हो जाता, ठीक है। क्योंकि रूल है कि लाइक टर्म के साथ ऐड होता है, लाइक टर्म्स के साथ सब्ट्रैक्ट होता है, लाइक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, लाइक टर्म्स के साथ डिवाइड होता है। तो बताइए इसमें जो टू है वो कांस्टेंट है, थ्री भी कांस्टेंट है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस ये थ्री किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, थ्री टू के पास जाएगा, तो थ्री टू जा सिक्स, और ये एक्स एक्स ऐसे ही पड़ा रह गया, राइट। तो ये चीज देखिए, अब क्या हुआ, ये बिल्कुल एक पार्ट हो गया, यानी सिक्स मीन्स सिक्स
एक्स यानी सिक्स काउ हो गया, ठीक है, सिक्स सिक्स काउ, ठीक है। अब छह काउ है तो वो तो अलग तो है नहीं, वो कंबाइन नहीं है, है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, जब भी यहां पे प्लस या माइनस लगेगा, सेम इसी यही कॉन्सेप्ट है माइनस का, यही कॉन्सेप्ट है माइनस का, कि अगर माइनस लगा बीच में तो इट मींस प्लस और माइनस क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबल हो गया उस पार्ट को डिवाइड करने में, अलग करने में, बंटवारा करने में, ठीक है ना। जैसे गांव में होता ना कुछ लोग, या किसी घर में कुछ लोग क्या करते, उन्हीं की वजह से घर में अलग क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाती है फैमिली, क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, बंटवारा हो जाता है। तो प्लस और माइनस यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, काम को बिगाड़ने का काम करते हैं, जबकि मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करते हैं, काम को बनाते हैं, ठीक है। बात आई समझ में, टू क्रॉस एक्स ये जब भी होगा तो एक ही टर्म होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे वन छिपा हुआ है, यहां पे वन हिडन है, छिपा है पहले ऑलरेडी, अब टू का मल्टीप्लाई वन में होगा तो टू एक्स हो गया, बताइए ये सिंपल एक पार्ट हो गया कि नहीं हो गया, एक ही पार्ट हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे फोर एक्स बाई टू, ठीक है, ये भी एक केवल एक ही पार्ट है, बीच में डिवाइड हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है, वी का राइट फोर एक्स डिवाइडेड बाई टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और टू चीज को हम ऐसे डिवाइड कर देंगे तो बताइए अब कितना बचा आपके पास, टू एक्स केवल बचा, कितने बचा, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जो भी फाइव एक्स बाई टू हो, ठीक है, आपके पास ये एक चाक है, ठीक है। अब इसको हम लोग दो पार्ट में कर देंगे, टू से डिवाइड करेंगे, एक वन चाक को टू से डिवाइड करेंगे, तो ये जो सब पार्ट आएगा वो एक के सिंगल पार्ट आएगा, यानी ये भी क्या है, एक ही टर्म है, दो टर्म नहीं है, ठीक है। बट इसी में अगर हम लोग क्या कर दे, दो डिफरेंट वैल्यू को बीच में माइनस कर दे या प्लस कर दे। अच्छा एक चीज और भी है, आप लोगों को ये चीज प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर हम देयर आर टू लाइक टर्म, दो हमारे पास लाइक टर्म है, इन दोनों के बीच में प्लस लगा दे, अभी भी तो ये दो टर्म हो गया, नहीं, जब चीजें सिंपल एक ही थी, सिंगल थी, लाइक थी, तो हम उसको क्यों दो करें, क्यों अलग करने की क्या जरूरत है, उसको एक्सपेंड करने की क्या जरूरत है, आप x प्लस x प्लस x प्लस एक्स लिखने की क्या जरूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि सब लाइक टर्म है। अब आप कहोगे सर यहां पे भी तो प्लस है, तो एक दो तीन चार पांच इतने फैमिली हो गए, फाइव फैमिली सेपरेट हो गया, प्लस लगा और आपने बताया कि सर प्लस और माइनस लग गया तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, नहीं, ये सब एक ही फैमिली है, एक ही टर्म है, क्यों, क्योंकि सबके सब लाइक टर्म है, वो तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, तो ये जगह फाइव एक्स, देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स कैसे हम लोग करेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फाइव एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री हाउ मेनी टर्म्स, तो यहां पे कुल मिला के थ्री टर्म्स हो जाएंगे, कितने टर्म्स हो जाएंगे, थ्री टर्म्स, ठीक है, बताइए समझ में, वन टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। अब ये नहीं कहोगे सर यहां पे एक टर्म, एक दो, दो टर्म, थ्री फोर, फोर टर्म आए टर्म, ये फाइव, नहीं, ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई जब होता है चीजें होती है, फिर से मैं बता रहा हूं, वो एक ही हो जाती है, सिंगल हो जाते हैं, यहां पे भी सिंगल, यहां पे तो वन वन वन, यानी कुल मिला के थ्री हो गए, थ्री टर्म्स, कितने टर्म्स हो गए, थ्री टर्म्स। ओवरऑल ये बता दूं कि कभी भी प्लस और माइनस अगर है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वहां पे डिफरेंट अगर अनलाइक टर्म है, तो वहां पे बीच में प्लस और माइनस जरूर होगा। ये देखिए प्लस और माइनस, प्लस है या यहां पे माइनस है, इट मींस ये प्लस और माइनस तभी लगा होगा जब चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल डिफरेंट, ये फाइव एक्स है, ये वाई है और ये वनली कॉन्स्टेंट है, तो चीजें बिल्कुल, सब चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक नहीं कर सकते, अनलाइक, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा भी हो सकता है क्या, थ्री एक्स, नहीं, रॉन्ग है ये फॉर्म रॉन्ग है, इसको जब ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं तो इनको अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इनको ऐसे लिख देंगे, इनके साथ कंबाइन कर देंगे, तो ये जगह फाइव थ्री एट एक्स प्लस टू वाई। अब देखिए, अब कोई पूछेगा इसमें कितने टर्म्स है, थ्री टर्म्स नहीं है, ओवरऑल ये फाइनली कितने टर्म्स हो गए, टू टर्म हो गए, राइट, समझ में आ गई बात। जब हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा, इसी के हेल्प से बताया जाएगा
कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, कोई डाउट? चलिए तो अब हम लोग ये समझ जाएंगे, आइडेंटिफाई करना समझ जाएंगे कि क्या होती है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अगला टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाम से ही पता चल गया होगा पॉलिनोमियल मालूम है। वन वेरिएबल मींस वन, मींस वन, और वेरिएबल मींस एक्स वाई जेड एबीसीडी एंड सो ऑन, कुछ भी। इट मींस इफ वी हैव अ वेरिएबल, इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन वेरिएबल्स, अगर उसके पास क्या हो, हमारे पास एक ऐसा, इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल सच दैट इन सच वे कि हैविंग ओनली वन वेरिएबल, यदि हमारे पास केवल एक वेरिएबल है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है। किस पॉलिनोमियल, किस वेरिएबल का है, एक वेरिएबल। मींस यूज ओनली वन वेरिएबल, है ना, जब क्या हो उस पॉलिनोमियल के अंदर एक ही वेरिएबल्स का यूज हुआ हो तो दैट इज नोन एज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिस जो कौन सा है वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे 5x + 3, अब देख सकते हैं हम केवल ओनली एक्स है, क्या है, ओनली ओनली एक्स, ये 5 और 3 तो कॉन्स्टेंट है तो 5 और 3 को कंसिडर नहीं करना है, केवल एक्स को, ठीक है, ये पी हो गया, पी ओनली पी, ठीक है, 5x + 3, ये भी वन वेरिएबल है, ये भी पॉलिनोमियल है, आगे बताया जाएगा, ठीक है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, या फिर x है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, या फिर आपके पास 5y + ठीक है 3 है, ये भी पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना, बात आई समझ में, कोई डाउट? तो एक होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और दूसरा होगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल। मींस उसका भी एग्जांपल जान लीजिए अभी तुरंत, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल मींस अब हमें क्या करने हैं, ऐसे पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स लेने हैं जिसमें कितने हैं वेरिएबल्स यूज हुए हो मोर देन वन, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5x + y, ठीक है, 2x / y, है ना, -11/3x और y, ठीक है, ये सब क्या है आपके पास, क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक चीज यहां पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूं, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और यहां पे भी रॉन्ग है थोड़ा, ये कॉन्सेप्ट इसका रॉन्ग है, नीचे कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, मैं इसको अगले टॉपिक में बता दूंगा कि कभी भी कोई भी वेरिएबल डेनोमेटर में नहीं होगा, ठीक है ना, तो अगर वो नीचे डेनोमेटर में रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, राइट। तो -11x / 3 मैं इसको अगले टॉपिक में बताऊंगा क्योंकि वरना जो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया मोर देन वन वेरिएबल मीन्स अगर एक से ज्यादा है तो कितने हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, दो वेरिएबल रहेंगे तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, 3 रहेगा तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे अगर एक हो जाए जेड तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, राइट, समझ में आ गई बात। और एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया कि 2ax + 5, ठीक है, +5 5a, अब बताइए कौन सा वेरिएबल है, ये भी 2 ही है, 3 नहीं है, क्यों, क्योंकि a यहां पर भी, a यहां पर भी, हाँ यहां पे b रहता तो हम बोलते हैं कि पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, यहां पे 2 है तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ठीक है, अगर यहां पे b हो जाता तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स बोलते हैं, राइट, समझ में आ गई बात, चलिए ओके। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब सारी चीजें आपको बिल्कुल यहां तक समझ में आ गई होंगी। अब अगला मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पॉलिनोमियल के हेल्प से अब हम लोग ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो तरीके से होते हैं, पहला होता है पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, और एक होता है सेकेंड, अनदर इज
हाँ डिपेंड ऑन द डिग्री, तो डिग्री की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं आपसे बता दूं कि अगर आपके पास केवल एक टर्म होगा, मींस टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल आपके पास दो तरीके से कट रहेगा, इसमें होता है पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री मीन्स ये डिग्री नहीं, जैसे आप कहते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री नहीं, इसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला मैं बताने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, क्योंकि अभी हम टर्म्स पढ़े हैं तो टर्म की बात करें, डिग्री पढ़ लेंगे तो डिग्री की बात करेंगे, राइट। चलो, तो क्या होता है टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल पढ़ने के लिए हम लोग जो पहला रूल पढ़ने जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू टर्म्स, ठीक है। तो इसका जो पहला होगा वो होगा मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल मीन्स नाम ही मोनो मीन्स होता है वन, हैविंग ओनली वन टर्म। और नॉमियल मीन्स नॉमियल से बना, नॉमियल मीन्स नेम, नेम मीन्स टर्म, वही। तो मोनोमीन्स होता है वन, जिसमें केवल एक ही टर्म हो, वन टर्म, केवल सिंगल टर्म हो, तो उस टाइप के जो पॉलीनोमियल होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं हैविंग ओनली वन टर्म, जब क्या हो एक ही टर्म, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल लिखा था एग्जांपल की बात करूं, अभी मैं पी लिखा था, ओनली पी, तो ये मोनोमियल हो गया, ठीक है। या फिर 5x, ये भी मोनोमियल है, ठीक है ना, क्योंकि 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ, तो मल्टीप्लाई कंबाइन करने का काम कर देता है, ठीक है, मोनोमियल है। x/2 मोनोमियल है, ठीक है, कोई डाउट। तो ये जितने भी वैल्यूज हैं ये सब मोनोमियल है, मोनोमियल के हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब दूसरा आता है आगे बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल मीन्स हैविंग टू टर्म, ठीक है, हैविंग टू टर्म। इसका मैं जितना भी डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेशन दे दूंगा, आप वहां से राइट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डेफिनेशन होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यहां पे टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ओके। हैविंग टू टर्म्स, जिसके पास दो टर्म्स हो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 5x+2, ठीक है, 3z-4, है ना, या फिर x+y, या फिर हो गया 3x-z, 4a+b, कुछ भी, या फिर a+b, एक्सेट्रा, कोई भी ना आपके पास, जिसमें दो टर्म प्लस या माइनस लग गया बीच में, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक है ना, बात आई समझ में। तो टर्म के अकॉर्डिंग टू क्या होता है, आपने दो देखा, तीसरा, केवल इतना ही नहीं, तीसरा देख लीजिए, दो हो गया क्लियर, तीसरा होगा ट्राइनोमियल, नॉम से ही पता है, ट्राई मीन्स होता है थ्री, ट्राई मीन्स यहां पे ट्राई का मतलब हो गया, ट्राई मतलब हो गया थ्री मीन्स हो गया हैविंग थ्री टर्म्स, ठीक है। अब देखो चीजें आसान है, अगर हम लोग अगर पॉलीनोमियल को अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं तो शायद हम यहां पे यहां तक नहीं पहुंच पाते, कंफ्यूजन हो जाता। तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है, एक एक वर्ड को समझना, जो मैं बोल रहा हूं उसके सारे वर्ड्स को क्लियर तरीके से,
ठीक है। तो ट्राइनोमियल क्या हो गया, हैविंग हैविंग थ्री टर्म्स, जिसके कितने टर्म्स हो, हैविंग थ्री टर्म्स, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस थ्री एक्स प्लस टू, देखिए थ्री टर्म्स हो गया, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, थ्री टर्म्स। या फिर आपके पास हो जाएगा फाइव जेड स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस फाइव, ठीक है, कुछ भी आपके पास, इलेवन एक्स स्क्वायर बाय थ्री प्लस टू एक्स प्लस थ्री, देखिए इसके कितने टर्म्स, एक टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म्स, वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे देखिए ट्राइनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से होगा टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, टेट्रा मीन्स होता है फोर, पेंटा मीन्स फाइव, ठीक है, आप कर सकते हैं, आप खुद एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बनाते समय पर ध्यान देना, वेरिएबल को डेनोमेटर में नहीं लिखना है, अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल ले रहे हैं और एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आप डेनोमेटर में, डेनोमेटर के प्लेस पे किसी वेरिएबल को पुट अप नहीं करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो रूल्स है मैं उस सारे रूल्स को अगले वीडियो में जो भी आएगा वीडियो उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है, बस ध्यान देना, आप कोई भी एग्जाम्पल बनाओ बट डेनोमेटर के प्लेस पे आपको ध्यान देना है कि क्या करना है, वहां पे किसी तरीके का वेरिएबल डेनोमेटर के प्लेस पे पुट अप नहीं करना है, ठीक है ना, बाकी सब सही है, बाकी आप कहा ना आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हो जाएगा ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, ठीक है, टेट्रानोमियल जिसमें कितने टर्म हो, फोर, फोर टर्म्स हो, कितने हो, चार पार्ट हो, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही टेट्रानोमियल, फिर हो जाएगा पेंटानोमियल, पेंटानोमियल, ठीक है, पेंटानोमियल में कितने हो जाएंगे, फाइव टर्म्स। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको ट्राइनोमियल, बहुत ज्यादा ट्राइनोमियल, ठीक है, बातें समझ। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, ये है आपका इंट्रो फर्स्ट, इंट्रोडक्शन फर्स्ट में चीजें थोड़ी सी इसमें मैंने ब्रॉड बता दिया हूं, तो आप लोग इसको अंत तक वॉच करिए, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो क्लास टेंथ में सीधे आप टॉपिक पे जाओगे, और मैं सेम यही वीडियो मैं अपने क्लास टेंथ के बच्चों को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड करूंगा, क्योंकि जानते हैं क्लास इलेवेंथ में, क्लास नाइन्थ में बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से पढ़ते नहीं है, उनको नहीं मालूम होता है कि इसी से इंटरलिंक क्लास टेंथ में रहेगा, और ये चीज आज आप पढ़ लिए पूरी जिंदगी अब आपके साथ रहेगी, अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है, तो आपके साथ पूरी जिंदगी चलता रहेगा, ठीक है, अगर आपको आज नहीं मालूम तो क्लास टेंथ में आपको पढ़ना ही होगा, और यदि आप क्लास टेंथ में नहीं पढ़ते, इलेवेंथ में पढ़ना मैथ्स चाहते हैं, वहां पर भी आपको पढ़ना ही होगा, फिर से वही चीजें पढ़नी होंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है, मैं यहाँ पे आकाशवाणी तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये टॉपिक आपकी क्लियर नहीं होगी तो आपके निश्चित तौर पे फिर से आप पछताएंगे, और फिर से ढूंढेंगे कहीं से पॉलीनोमियल का अच्छा सा कोई यूट्यूब पे टीचर मिल जाए पढ़ा दे, ठीक है, बात इस समय। अभी इसका इंट्रोडक्शन भी पहला पार्ट है, फर्स्ट इंट्रो है, सेकेंड इंट्रो में मैं आपसे बात करूंगा फिर से नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।